गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। एज यू नो चैप्टर नंबर 8 वाज गोइंग ऑन एंड चैप्टर नंबर 8 इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, दिस सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर एंड आवर टुडेस टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन। आज की क्लास हम हाइड्रोकार्बन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यू नो हाइड्रोकार्बन, नाम से देखिए आप लोग, दोज कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन्स और वी कैन से दोज कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस देखी जाती है उनको अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा और साथ में कार्बन भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, टू मेजर कैटेगरीज आर देयर फॉर हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज एलिफैटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय सेकंड आर नोन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट वन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय सेकंड आर नोन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज नॉन साइक्लिक। यानी यहाँ पे साइकिल जैसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, वहां साइक्लिक प्रेजेंट, एक क्लोज साइकिल आपको देखने को मिलेगी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहें या एलिफैटिक कहें, दे आर ऑल्सो नोन एज ए साइक्लिक और यू कैन सी देम नॉन साइक्लिक। यानी इनमें साइकिल जैसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, अब आगे इनकी कैटेगरी और बनाई गई है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वाइल सेकंड आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनको अपन कह रहे हैं उन्हीं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को हम कह रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वाइल सेकंड आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिएगा ध्यान से, हमने कहा पहले हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कौन से वाले कंपाउंड है जहां कार्बन प्रेजेंट होगा, कार्बन के साथ में हमें हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ हमने कहा कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक मेजर कैटेगरी को हमने कहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सेकेंड वाली को हमने नाम दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी एक और बन जाती है ब्रांच और इसको नाम देते हैं एल्केन्स। We can say saturated hydrocarbons are also known as alkanes. इन्हीं को alkane का भी नाम दिया जाता है। हम डिटेल में बात करें after a short while. Second one, unsaturated hydrocarbons. यहाँ पे जो कैटेगरी हम ले रहे हैं हर एक कैटेगरी अपन वन बाई वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच मे बी एल्कीन और एल्काइन। दे मे बी एल्कीन और एल्काइन, या तो एल्कीन हो सकते हैं या फिर वो एल्काइन हो सकते हैं। इन दोनों कैटेगरी को हम इंक्लूड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अगली बात आती है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। फ्लो चार्ट पूरा कर लें फिर अपन वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट से जो टॉपिक हमने स्टार्टिंग का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि एलिसाइक्लिक को अपन स्टार्ट करेंगे पहले, तो आप फ्लो चार्ट को पूरा कर दें ताकि बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में रहे कि एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कितनी कैटेगरी में और किस तरह से किया गया है। नाउ द लास्ट कैटेगरी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक इट मींस अ साइकिल, अ क्लोज चेन इज प्रेजेंट इन दीज हाइड्रोकार्बन्स। एक ऐसी चेन प्रेजेंट होगी जहां कार्बन एटम्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली, हम यू कहें क्लोजली बाउंड होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ट्राइंगल की शेप यहां बनाई है। दिस इज नॉट ए ट्राइंगल, इट्स ए मेंबर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के भी दो यहां पे हम कैटेगरी देखेंगे, दे मे बी ऑफ एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। दे मे बी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, या तो एलिसाइक्लिक होंगे या फिर उनको हम एरोमेटिक नाम देंगे। एलिसाइक्लिक वो वाले हैं जहां पे आपको केवल सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन की क्लोज चेन मिलेगी, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो वाले हैं जिनमें हमें क्लोज चेन तो मिलेगी साथ में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप देख लीजिएगा, फ्लो चार्ट है और स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम।
यानी कि बेसिकली अपन कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन ए साइक्लिक और एरिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वाइल सेकंड आर नोन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट एरिफेटिक और ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन डिटेल। फर्स्ट वन ए साइक्लिक और वी कैन से एरिफेटिक, एसाइक्लिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। देखिएगा यहां साइकिल जैसी कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलेगी, एक्चुअली ब्रांच स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। कुछ स्पेसिफिक ब्रांच हमें देखने को मिलती है, और यानी कहने का मतलब क्या है, दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच डज नॉट कंटेन ए साइकिल और क्लोज द साइकिल आर नोन एज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसकी फर्स्ट कैटेगरी हम यहां बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी व्हिच इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन ए सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन ए सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दे आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स, दे आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स। द सफिक्स, द सफिक्स ऑफ एल्केन्स इज ए एन ई, यू नो सफिक्स जिस तरह आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं प्रत्यय, हिंदी में जो प्रत्यय होता है उसी तरह से हम सफिक्स काम में लेते हैं साइंस में। हिंदी में जैसे कि आप पढ़ते हैं प्रत्यय, प्रत्यय जो किसी वर्ड के बाद में लगने वाला होता है, उसी तरह साइंस में हम बोलते हैं प्रत्यय जो सफिक्स है वो जो कि बाद में लगेगा किसी वर्ड की। जैसे कि अपन एग्जाम्पल लेके भी बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करें सफिक्स ऑफ एल्केन की ए एन ई। प्रीफिक्स, हमने सफिक्स की बात तो कर ली लेकिन प्रीफिक्स की भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ना, क्योंकि बिना प्रीफिक्स के हम आईयूपीएसी नेम कैसे दे पाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक्चुअली प्रीफिक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्रीफिक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्रीफिक्स को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सुनिए ध्यान से, अभी आपको यही भी याद रहेगा, इफ वन कार्बन एटम इज फाउंड इन एनी हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंपाउंड देन प्रीफिक्स विल बी मीथ। अगर सिंगल कार्बन है तो प्रीफिक्स यहां पे होगा मीथ, इफ टू कार्बन एटम्स आर देयर देन प्रीफिक्स विल बी ईथ, इफ थ्री कार्बन एटम्स आर देयर देन प्रीफिक्स विल बी प्रो, if four carbon atoms are there then prefix will be but, not but, be careful it is but not but, in english we can say but in science here will be but, if five carbon atoms are there then prefix will be pent, if six carbon atoms are there, if six carbon atoms are there then prefix is known as hex, if seven carbon atoms are there then prefix is known as hept, if 8 carbon atoms are there then prefix is known as oct, if 9 carbon atoms are there then prefix is known as non, if 10 carbon atoms are there then prefix is known as dec or deca। तो देखिए आप, ये हमने जो बनाए हैं ये prefix हैं जो कि number of carbon atoms के according determine किए जा रहे हैं। एक बार सुनिएगा फिर से ध्यान से, if 1 carbon atom is there then it will be meet, C1 meet, C2 eat, C3 prop, C4 but, then C5 pent, C6 hex, C7 hept, C8 oct, C9 non, while C10 is known as dec or deca। तो prefix और suffix को हम काम में लेते हुए कुछ IUPAC name यहाँ पे अपन बनाएंगे। So stay here, okay? Now the next point about saturated hydrocarbon, the general formula, the general formula of saturated hydrocarbons or we can say of alkanes, the general formula of alkanes is CnH2n plus 2, where n is equal to number of
कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी ये जो फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं वहां पे सी एन एन जो भी यहां पे आप देख पा रहे हैं, टू एन यहां पे, टू टाइम्स एन यहां पे आप देख पा रहे हैं, एन फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ एन इज इक्वल टू वन, हमने कहा अगर n की वैल्यू 1 है तो देखें हम फॉर्मूला जो हमने बनाया है उसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है फॉर्मूला। सी एन एस टू एन प्लस 1, हमने n की वैल्यू 1 रखनी है, जहां जहां पे n है वहां वैल्यू आप 1 रखेंगे, सी एन सी 1, देन c के बाद में s देखें, s टू n 2 इंटू 1 प्लस 2, प्लस 2 यहां पे आप देखा फॉर्मूला, नॉट 1 प्लस 2। अब देखिए आप क्या बनेगा, यहां पे आपका फॉर्मूला बनेगा CH4 यहाँ फॉर्मूला बनेगा। अब बात करते हैं इसका IUPAC नेम कैसे निकलेगा। नाउ IUPAC नेम इज इक्वल टू प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। देखिए वन कार्बन एटम यहाँ पे है, एल्केन है, एन है, वन कार्बन नाम देंगे मेज, वन कार्बन के लिए प्रीफिक्स होगा मेज, एल्केन है, हमने सफिक्स क्या लिखा ए एन ई, सो मीथ प्लस एन इज इक्वल टू नेम यहां पे बनेगा मीथेन, तो सी एस फोर को हम नाम देंगे मीथेन। इस तरह से हम आगे जितने भी वैल्यू एन के रखेंगे उस एन की वैल्यू को सी एन एस टू एन प्लस टू में रखते हुए आप यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप आईयूपीएसी नेम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स आप जैसे काम में लेंगे तो उस केस में आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ ही जाएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस टुमारो, थैंक यू सो मच।